हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, मोशन इन प्लेन। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के हमने पहले वीडियो में देख लिया कि दो वेक्टर का किस तरीके से ट्रायंगल सम निकाला जाता है, मतलब ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, किस तरीके से हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का सम निकालते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे पैरेललोग्राम रूल। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, और यहाँ पे देखिए आप कि वो सेम वही टाइप चलेगा, बस यहाँ पे वहाँ पे ट्रायंगल था, यहाँ पे पैरेललोग्राम, मतलब दो एडजेसेंट साइड होंगी। एक साइड होगी मान लीजिए आपकी वेक्टर ए, ठीक, और दूसरी साइड होगी बी। क्लियर। अगर इनका हमको रिजल्टेंट वेक्टर दिखाना है तो कुछ इस तरीके से शो करवाना पड़ेगा। ये जहाँ तक जाएगी इसकी डायरेक्शन आपको कुछ ऐसे दिखानी पड़ेगी, और फिर ये कुछ इस तरीके से आप शो करवाएंगे, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। ये इसका डायगोनल जो होगा वही इसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। यही इसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों का सम अगर हमको दिखाना है तो हमको मानना पड़ेगा इन दोनों एडजेसेंट जो लाइंस थी, जो वेक्टर्स थे, उनके बीच का एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, और इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा है। सेम वही एक्टिविटी, यहाँ से हम गिराएंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का। इसका नाम ले लेते हैं पी क्यू आर एस टी। ठीक, आपको पता है पैरेललोग्राम में सामने की साइड क्या होती है, इक्वल, मतलब ये वेक्टर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। ठीक, इसको अल्फा माने हैं, इसको थीटा माने हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल क्यू आर एस, फ्रॉम ट्राइंगल क्यू आर एस, यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ से एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लगाएं, हमको निकालना है परपेंडिकुलर है हमारे पास हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस होगा ना, सबसे बड़ी साइड है तो हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। हमको निकालना है पहले आर एस की वैल्यू, मतलब परपेंडिकुलर, तो लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा की जहाँ पे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, बीटा, तो हो जाएगा साइन बीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है अपना आर एस, और हाइपोटेनियस कितना है क्यू एस। ये साइन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर एस अपान क्यू एस की वैल्यू है वेक्टर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई आर एस की वैल्यू आ गई बी साइन बीटा। और ऐसे ही हमको निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू। इट मीन्स क्यों निकालनी है, क्योंकि हमको निकालना है क्यू आर बेस। ये तो आ गया परपेंडिकुलर हमारा बी साइन बीटा। बेस निकालने के लिए हमारे पास हाइपोटेनियस है तो लगाएंगे इसी का अपोजिट कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जहाँ पे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, बीटा, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू लगाएंगे डायरेक्ट बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस कितना है क्यू आर, हाइपोटेनियस कितना है क्यू एस। ठीक, हाइपोटेनियस क्यू एस की वैल्यू कितनी दी हुई है वेक्टर बी, तो कॉस वीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर अपान वेक्टर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू आर की वैल्यू अब किया जाएगी बी कॉस बीटा। ये क्लियर है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वी कॉस वीटा। क्लियर है आप लोगों का। अब ये बताइए, अगर इसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लें पी आर एस को, क्या पी आर एस एक राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल है, क्योंकि एक एंगल कितना है 90 डिग्री। तो फ्रॉम ट्रायंगल पी आर एस, ठीक है, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा अपना आर, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आर एस, आर एस का स्क्वायर प्लस
बेस कितना हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। इतना क्लियर है आपका? यहां पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए एक बार। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलते हैं हम यहां पे इसकी वैल्यू रखते हैं। आर एस की, आर एस की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, बी साइन थीटा। तो वेक्टर आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी साइन बीटा का स्क्वायर प्लस पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू हमारे पास कितना है ए, और पी क्यू आर कितना है बी कॉस बीटा, बी कॉस बीटा इसका होल स्क्वायर। ओके क्लियर है स्टेप? यहां पे एक स्टेप और दिखा देते हैं अगर आप लोगों को शो हो रहा हो तो। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसका ओपन करते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा और हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू ए बी, टू ए बी कॉस बीटा। क्लियर है? यहां तक शो हो रहा है आप लोगों को? देख लीजिए एकदम अच्छे से। सबसे लास्ट वाली लाइन आप लोगों को शो हो रही है कि नहीं हो रही है? आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहां पे बी है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा कॉस बीटा। देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा को साथ कर लेते हैं और यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ये दोनों को साथ कर लिए, उसके बाद बचा क्या ए स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर है दोनों में। ये बीटा है, बीटा नहीं है बी है, ठीक है, बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस बीटा। आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, दोनों में बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, बचेगा अंदर कितना साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस बीटा। क्लियर है आप लोगों को? यहां तक शो हो रहा है? थोड़ा और इधर लिखने का प्रयास करते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसकी पूरी की वैल्यू वन आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस बीटा। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो रिजल्टेंट आर की वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट में ए का स्क्वायर, पहले सिक्वेंस में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस बीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? और यहाँ पे अगर हमको डायरेक्शन दिखानी होगी तो सेम वही फार्मूला, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है तो डायरेक्शन के लिए हम लगाएंगे, फॉर डायरेक्शन टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है बी साइन बीटा अपॉन ए प्लस बी, ये बी है, ए प्लस बी कॉस बीटा, ठीक जी। और रिजल्टेंट आ गया कुछ ये। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पे हमने देख लिया कि किस तरीके से दो वेक्टर्स का हम पैरेललोग्राम ला निकालेंगे ऐड करने का, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, ट्रायंगल ला, यहां पे हमने क्या देख लिया पैरेललोग्राम ला, ठीक है। और इन दोनों पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिलेंगे, उन न्यूमेरिकल्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं अगले वीडियो में। आपको इससे रिलेटेड को दो से तीन न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।